दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने ज्योतिष चैनल एस्ट्रो पंडित अरुण भारद्वाज में। आज हम आपको उन बातों के विषय में जानकारी देने वाले हैं जो बार बार आपकी सभी योजनाओं तथा कार्यों में बाधा बनी हुई है। वैसे तो इस राशि के लोग अत्यंत बुद्धिमान, साहसी, तीव्र स्मरण शक्ति तथा भाग्य के धनी होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको इस कठिन समय में समझ नहीं आ रही हैं, इनसे आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएंगे। कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, हर व्यक्ति में छोटी छोटी कमियां होती हैं। वैसे तो आपकी राशि अति श्रेष्ठ है, लेकिन समझदार व्यक्ति इन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाता है। सभी समस्याओं से बचना है तो ध्यान से सुने। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना आशीर्वाद जरूर दें। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये समस्याएं आपको लक्ष्य से भटका रही हैं, इन्हें आज ही छोड़ दें। मिथुन राशि के जातकों के अंदर स्त्री तथा पुरुष दोनों का समावेश होता है। मिथुन राशि का यही अर्थ होता है, इनकी नाक तोते की तरह होती है, माथा चौड़ा होता है और ठोड़ी बारीक होती है। ज़्यादातर ये साहस भरे कार्य नहीं करना चाहते, दिखावा अधिक पसंद करते हैं, जिसके कारण इन्हें कभी कभी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और इस वजह से ये अधिक खर्च भी कर देते हैं और धन की हानि कर बैठते हैं। जोश में आकर कार्य शुरू करते हैं, फिर बीच में कार्य को छोड़ देते हैं। किसी पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं, अस्थिर स्वभाव के होते हैं। कब क्या करेंगे इन्हें स्वयं को भी पता नहीं होता है। कभी कभी एक से अधिक प्रेम संबंध बना लेते हैं, जिसके कारण ये कठिनाई में पड़ जाते हैं और अपना वैवाहिक जीवन खराब कर लेते हैं। विपरीत लिंग के प्रति रुझान रखते हैं, लेकिन ये ईमानदार, निस्वार्थ तथा न्यायप्रिय होते हैं। दूसरों की मदद से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इन पर आंखें मूंद कर विश्वास किया जा सकता है, ये अति ईमानदार व्यक्ति होते हैं। आपको इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए, सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए और अपने देवी पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए।